the time right now is 2:39 in the night, and I have the train to catch at. Hello everyone, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. Today I'm starting up today's vlog in train. Hello everyone, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. Today we are traveling to Raipur. Dubara isliye record kar raha hu kyunki pehla wala acha nahi laga mujhe. Second. Okay guys, so as you saw कि हम लोग अभी रायपुर पहुंच गए सक्सेसफुली, और अभी क्या, अभी हम लोग जा रहे हैं जिस काम से हम लोग यहाँ पर आए हैं, सो वो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अपनी मीटिंग्स और बाकी सारे काम से बिजी रहेंगे. क्या ही समझ आएगा बता उसको, पड़ा है क्या कर रहा है बताऊँगा. देखो क्या किया, देखो इधर क्या किया मैं. साले रिकॉर्ड करा था तू. हाँ तो भाई यही सब चीज़ें तो मैं इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इट्स माई स्मॉल गैलरी जिसको हम लोग जब फ्यूचर में जिस कामों के लिए यहाँ आ रहे हैं इतना स्ट्रगल करके इतनी दो कौड़ी की ट्रेन में आ सकते हैं हम लोग बाई रोड कार में एसी में, मगर फिर लगता है यार वही कि अभी थोड़ा मोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर जीना ही जीना है, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं. क्या मुकेश, हाँ ऐसा पैदल चल रहे धूप में. ये सारी चीज़ें मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि देखें फ्यूचर में, देखना मजा मजा आएगी यार, इसीलिए रिकॉर्ड करता हूँ. चलो नाउ सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. मैं अपनी सारी मीटिंग्स निपटाता हूँ, उसके बाद कहीं अच्छी सी जगह में बैठ के अच्छे से ब्रीफली बताता हूँ कि आज क्या क्या हुआ, हम लोगों का पर्पस क्या था आने का और बाकी सारी चीज़ें. ओके सो जस्ट गॉट डन विद द एवरीथिंग एंड आई नो नो वन गिव्स अ शिट अबाउट एनीथिंग व्हाट आई फील व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. मगर एज आई सेड अर्लियर कि ये चीज़ जो भी वो ये पर्टिकुलर जो ब्लॉग है ये मेरे लिए रहेगा जो कि मैं आने वाले फ्यूचर में देखूंगा और आज इस दिन को याद करूंगा. सो ये बताना ज़रूर बनता है मेरा कि अभी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है मेरी लाइफ में, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम एक्चुअली मैं यदि सच सच बोलूँ तो कुछ हुआ नहीं उसमें, और कुछ चीज़ें अच्छे से हुई नहीं और ना ऐसा सोचे थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ. और अभी मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं था, मगर फिर भी मैं सोचा यार कि इस मोमेंट में यदि मैं व्लॉग नहीं किया, इस मोमेंट को यदि मैंने अपनी पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया तो मैं शायद बाद में देख के फिर क्या बोलूँगा. करना चाहिए, खुशी भी दिखाता हूँ यदि मैं, पॉजिटिविटी भी दिखाता हूँ तो नेगेटिविटी और थोड़ा बहुत गम भी दिखाना बनता है ना, करके मैं ये दिखा रहा हूँ. और अभी बस हम लोगों ने खाना खाया और छोटा सा ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर हमने खाना खाया, और अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि अब जैसे ही ट्रेन वगैरह आए.
on platform number 6. Guys, so right now the situation is what? The temperature here is around 48 degrees Celsius, and the train got late for about what, half an hour. ओके गाइस, सो इट वाज अ सुपर हेक्टिक डे. आज मैं रात को भी सो नहीं पाया था अच्छे से, क्योंकि मैं आज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो कल रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाया था. सो अभी मैं सोने वाला हूँ थोड़ा बहुत. अभी मेरे को यहाँ पर मेरा बेड मिल गया है और बहुत कंफर्टेबल ये सीट मिल गई है मुझे, तो मैं ऊपर चढ़ के अभी थोड़ी देर के लिए सोने वाला हूँ. बिलासपुर पाने में भी कम से कम 2 घंटे लगेगा. सो अब मैं घर जा कर बात करता हूँ आप लोगों से और पूरे दिन का अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि आज क्या क्या हुआ. और आज का दिन उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, मगर बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली हमको. बहुत सारे कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर आए और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि आने वाले समय में हम लोगों को लगेगा कि आज का दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, जो कि आज मुझको नहीं लग रहा है कि वो सक्सेसफुल रहा मेरे लिए. सो लेट्स गो होम एंड मैं वहाँ जाके फिर आप लोगों से बात करता हूँ. सो बाय. ओके गाइस, सो मैं थोड़े देर पहले घर आया. एक्चुअली थोड़े देर पहले नहीं, 4 घंटे पहले मैं घर आया. फिर उसके बाद मेरे को घर में बहुत सारे काम थे तो मैंने उनको निपटाया. फिर उसके बाद मैंने अपना वीडियो एडिट किया और अभी टाइम हो रहा है 1:42 इन द नाइट एंड इट्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 26 आवर्स की मैं सोया नहीं हूँ. जो आप लोगों ने वीडियो में देखा वो बस एक ड्रामेटिक था, ताकि वो एक अच्छा सा इफेक्ट आए. मैं भी सीख रहा हूँ वो सारी चीज़ें करना. सो गाइज, आज मेरा मूड इतना ज़्यादा इसलिए सैड था क्योंकि आज मैंने उस चीज़ से लेसन लिया. मैं उससे सैड नहीं था, मैंने उससे लेसन लिया कि मैं एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, जो कि वो मेरे को उस बिज़नेस में हेल्प कर रहा था, और वो लास्ट मोमेंट में वो बंदा पलट गया और मेरा पूरा बिज़नेस वहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया. बंद नहीं हुआ है, मैंने 2-4 बंदे और अपने बैकअप में रखे थे. सो अभी वो बंद नहीं हुआ है. मेरे पार्टनर जो मुकेश और संदीप हैं और गौतम भाई जान हैं हमारे, जिनको आप लोगों ने पिछले व्लॉग में फर्स्ट टाइम देखा. सो हम लोगों का सारा बैकअप प्लान है, मगर जो एक बंदा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों के साथ एकदम पलट गया और फिर हमारा कुछ काम नहीं हो पाया. इस नाम से मैं बहुत ज़्यादा सैड था उस समय. सो अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. हम लोगों ने जो दूसरे बंदे थे उन लोगों के साथ हमने अपनी मीटिंग्स फिक्स कर ली और उसके बाद जाके उन लोगों के साथ हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं. तो आज के दिन से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें. हमेशा 2-3 बैकअप्स अपने साथ में लेके चलें, जो कि आने वाले फ्यूचर में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बंदा है तो वो हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है. तो आज के दिन से मैंने ये लेसन लिया, तो मैंने सोचा कि उसको आप लोगों को बताऊं. और दूसरी चीज़ आज जो मैंने सीखी वो ये थी यार, कि जब मैं अपने कार में घूमता हूँ, बाहर का टेम्परेचर रहता है 40 डिग्रीज़, और अपनी कार का मैं टेम्परेचर डाउन करके उसको 18 डिग्रीज़ 16 डिग्रीज़ कर लेता हूँ, और मैं बाहर वाले लोग को देखता हूँ तो आई नेवर फील बैड अबाउट देम. टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी उन लोगों के लिए ऐसा बैड फील नहीं करता. मगर आज जब मैं उस सिचुएशन में था, जब मैं वहाँ पर घूम रहा था उस एरिया में, हमने आज कम से कम 15 से 20 किलोमीटर घूमा होगा और टेम्परेचर वॉज 46-47 डिग्रीज़. और आज जब मैं बाहर वालों की स्थिति में था, सो आई वॉज फीलिंग कि यार वो कार में जा रहे हैं, वो ऐसा घूम रहे हैं, वो वैसा घूम रहे हैं. तो आज मेरे को एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को ऐसी कार मिली हुई है, मैं ऐसी कार में घूमता हूँ और सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ. अभी देखिए, मेरे को ये शूट करने करके मैंने पंखा फ़ैन वगैरह कुछ स्टार्ट चालू नहीं किया, तो मेरे को पसीना आ रहा है. ऐसा ही पसीना वहाँ पर रोड चलते चलते भी आ रहा था मुझे. सो मैंने एक चीज़ और सीखी कि आई शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दोज थिंग्स व्हाट आई हैव, ना कि उन सारी चीज़ों के लिए मैं रोऊं जो कि मेरे पास नहीं है. हाँ, आने वाले फ्यूचर में ऑब्वियसली मैं उन सारी चीज़ों को अचीव करूँगा, मगर आज के डेट में जो जो चीज़ें मेरे पास हैं आई शुड अप्रिशिएट देम. हाँ, आज का दिन स्टार्ट बहुत ख़राब हुआ एंड बहुत खूबसूरत हो रहा है, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी नई नई चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू फील इट कि मैं थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी या थोड़ी बहुत भी आप लोगों की हेल्प कर पाया आपकी लाइफ से रिलेटेड, सो डू गिव इट अ थम्स अप. और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने इस वीडियो में कैसा किया. थोड़ा सैड हो गया था स्टार्टिंग में, उसके लिए मेरे को सॉरी, मगर मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ मैं रियल रहूँ और मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ. और एट द लास्ट मैं हमेशा की तरह खुश हो गया हूँ और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझको.
क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है. सो गाइज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. एज ऑलवेज बी सेफ, बी हैप्पी, लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय इट एंड ऑलवेज अप्रिशिएट दोज थिंग्स वॉट यू हैव एंड वर्क हार्ड फॉर दोज थिंग वॉट यू वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ एंड यू विल अचीव इट फॉर श्योर. टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. नेक्स्ट व्लॉग आएगा बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. टाटा. इट्स गोइंग टू बी अबाउट माई कार, क्योंकि मेरी कार में कर रही है.